अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं रंगीन सेवैयाँ। रंगीन सेवैयाँ बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने रंगीन सेवैयाँ ले ली हैं, और ये चीनी है, ये नट्स हैं, बादाम है, ये पिस्ते हैं, ये छोटी इलायची, और ये देसी घी के 2-3 चम्मच जाएंगे, और ये पानी। आइए चलते हैं वीडियो बनाने की तरफ। हमने आपके यहाँ पर फ्राई पैन ले लिया। अब मैं इसमें डालूँगी ये देसी घी के 2 से 3 टेबल स्पून है। देसी घी जब तक गर्म हो जाए, अब देसी घी गर्म हो गया, हम यहाँ पे 5 चम्मच ये इलायची डालेंगे। अब हम इसको कुकरा होने देंगे। अब यहाँ पे थोड़ी देर ये करकरा हो गई है। अब हम यहाँ पे ये कलरफुल सेवैया है ये डालेंगे। हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसको भूनेंगे। अब सेवैया हमारी यहाँ पे मैं भून गई है, इसमें प्यारी खुशबू आ रही है। हमने इसमें देसी घी डाला है। अगर आप चाहें तो कोई और ऑयल में या इसमें दूसरे घी में इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये भून चुके हैं। अब यहाँ हम इसको 10 मिनट तक पकने देंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं, देखें सेवैयाँ भी गल गई और पानी भी हमारा खुश्क हो गया है। अब हम यहाँ पे ये चीनी डालेंगे। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल रही हूँ। आप कम ज़्यादा चीनी कर सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल देंगे, कम खाते हैं तो आप इसमें कम डालें। अब इसको हम मिक्स कर देंगे तब तक ये चीनी मिक्स हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारे सेवैयाँ बनने वाली हैं। अब इसमें ये चीनी भी अच्छे से घुल गई है, तब तक इसका शीरा वगैरह सब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसे सेट पे थोड़े से ये नट्स डाल देंगे और थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निश के लिए। और इसमें चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई, घूल गई। अब हमारी यह रंगीन सेवैयाँ बनकर तैयार हैं। अब हम आपको डिश आउट करके इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। अब हमारी ये सेवैयाँ बनकर तैयार हैं। अब हम इसको गार्निश करते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पिस्ते डालेंगे, थोड़ा सा बादाम है, हम इसमें बादाम डालेंगे। अब हमारे ये सेवैयाँ बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।